पिछली मुंह पे। हाँ पूरा। हाय हेलो, मेरा नाम जबरू है, मैं ही पास वाले अपार्टमेंट्स का स्ट्रीट डॉग हूँ। स्ट्रीट डॉग एज इन पार्किंग में रहने वाला। मेरा दोस्त है वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, जब वो बालकनी में आता है तो हम खुद बातचीत करते हैं। क्या है, डैनी नाम है उसका। डैनी से काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही मेरी, थोड़ा जान पहचान करी मैंने अपने नुक्कड़ वालों से, हुड के दोस्तों से पूछा तो पता लगा वो बीमार था काफ़ी ज़्यादा। तो थोड़ा और तहकीकात का पता करने पे ये चला हमें कि वो बीमार था तो उसका मालिक उसे कहीं लेके गया। अब लेके गया पर आया उसके बिना। इस बात को हफ्ता हो गया, मतलब वो उसे कहीं छोड़ा है। यही होता है हमारे पालतू भाइयों के साथ, जब तक उनका शौक पूरा हो रहा होता है उनके मालिक का, या फिर वो ठीक होते हैं, तब तक तो उन्हें खूब प्यार किया जाता है। और जैसे ही वो बीमार पड़ते हैं या उन पे खर्चा ज़्यादा होने लगता है तो उन्हें छोड़ आते हैं। शायद आप समझ नहीं रहे, जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का सोचा, जिसको खुद से ज़्यादा प्यार किया, वही छोड़ा है। और दुख की बात तो ये है, वो डैनी अगर साला अभी भी कहीं जिंदा हुआ तो भटकता हुआ यही सोच रहा हो कि आज आज गाड़ी आएगी, इसको मालिक आएगा, झप्पी पाएगा, घर ले जाएगा। पर नहीं, हम नुक्कड़ पे रहने वाले, हमारे साथ तो और बुरा होता है। कभी किसी की लात पड़ती है, कभी किसी की मार, कभी किसी की गाड़ी का बात। मेरी बहन थी, बात है अगस्त सितंबर 31 की, वो पास में पार्क में रहती थी, प्रेग्नेंट थी। तो हम क्या करते थे, कुत्ते हैं पर उससे पहले खाने देते थे। उस दिन खड़ूस वाली आंटी आई दूध लेकर, तो हमने सोचा क्या बात है, हमने एज यूजुअल उसे पहले खाने दिया। वो शायद भूखी थी तो सारा चट कर गई। दिक्कत शुरू हुई जब शाम को वो बीमार पड़ गई और रात को और बीमार पड़ गई। पूरी रात तड़पती रही, मैं था उसके पास, रो रहा था। कोई मदद के लिए नहीं आया। क्या है, कुत्ते जब हम रोते हैं तो बस इंसान भौंकते हैं हम पे कि चुप हो जाओ चुप हो जाओ। सुबह आया वो जमादार उसकी बॉडी लेके चला गया, मर गई वो, और साथ में मर गए वो बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी। अच्छा हुआ मर गए, अच्छा हुआ। क्या देखते हैं, इंसान इंसान को मार रहा है, सबसे खतरनाक जानवर बना हुआ है। हर जानवर डरता है अपने से बड़े जानवर से, लेकिन आज हर जानवर डरता है इंसान से। है क्या, एक काटू में 15 इंजेक्शन लगाते मरते। प्लास्टिक, हमें इंसानों से कुछ नहीं चाहिए, अगर हमारा अच्छा नहीं कर सकते तो हमारा बुरा भी ना किए। बस यही था, अभी चलता हूँ। जाते जाते ये बोलूँगा हाँ कि अगर आपको कोई कुत्ता बोल ले तो उसे मुड़ के थैंक यू बोल देना, क्योंकि अब आप इंसान कुत्ता कहलाने लायक भी नहीं। और हम कुत्ते होते भी कुत्ती चीज़ हैं, करें इंसान जितना भी हमारे साथ बुरा करेंगे उनसे प्यार ही। हम डॉग्स आर मैंस बेस्ट फ्रेंड, लॉयल टू अ फॉल्ट। चलता हूँ, कूड़े की गाड़ी पे मुंह मारने का समय आ गया। सबको बाय।